गुड मॉर्निंग, दिस इज़ मनोज कुमार शर्मा। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस, उससे रिलेटेड टॉपिक है हमारे पास मिक्सचर एंड सॉल्यूशन, जिसमें उसकी हम डिफाइन और उसके टाइप से रिलेटेड हम बात करेंगे। व्हाट इज मिक्सर? मिक्सर क्या होता है? मिक्सर वेन टू और मोर काइंड्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, जब दो या दो से अधिक टाइप के जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनको मिक्स किया जाता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। तो दो और दो से ज़्यादा जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, जब उनको आपस में मिक्स किया जाता है तो उसको मिक्सचर कहा जाता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, सोडियम क्लोराइड जो है, अगर हम उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बाई फ्रॉम वाटर बाई द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, बट इन अ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिजिकल प्रोसेस। आप इनको फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन जैसे सोडियम क्लोराइड जो है उसको हम फिजिकल प्रोसेस से क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है होमोजीनस और एक होता है हेट्रोजीनस। होमोजीनस टाइप के जो मिक्सचर्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अगर जैसे अगर हम उनको क्या करते हैं, पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं, तो वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जैसे अगर हम CuSO4 को पानी में घोलें, NaCl को वाटर में डिजोल्व करें, या अल्कोहल को वाटर में डिजोल्व करें, तो यहाँ ये कम्प्लीटली यूनिफॉर्मली क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ऐसे टाइप के मिक्सचर्स को हम होमोजीनस मिक्सचर्स कहते हैं। ऐसे कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जो आपके यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते, या ये कहें कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, ऐसे मिक्सचर्स को हम हेट्रोजीनस मिक्सचर्स कहते हैं। जस्ट लाइक जैसे सेंड, NaCl, ग्रास और वाटर, अगर इनको हम मिक्स करते हैं तो ये डिफरेंट लेयर्स को फॉर्म करते हैं, ऐसे मिक्सचर्स को हम हेट्रोजीनस मिक्सचर्स कहते हैं। तो होमोजेनस मिक्सचर्स जो यूनिफॉर्मली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और हेट्रोजीनस जो मिक्सचर्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। नेक्स्ट हम बात करेंगे होमोजेनस मिक्सचर्स से रिलेटेड जो हमारे पास सॉल्यूशन है टर्मिनोलॉजी में। तो सॉल्यूशन क्या होता है? ये एक प्रकार का होमोजेनस मिक्सचर्स है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं। तो ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जैसे लेमनॉइड सोडा ड्रिंक्स, सोडा ड्रिंक्स जो होता है वो एक प्रकार का होमोजेनस मिक्सचर है, तो वो क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। ऐसे सॉल्यूशंस जो होमोजेनस टाइप के जो मिक्सचर होते हैं उनमें एलॉयज भी होती है। एलॉय क्या होती हैं? टू और मोर मेटल्स, या मेटल और नॉन मेटल्स को जब कंबाइन किया जाता है तो वो एलॉयज की फॉर्मेशन करती हैं। जैसे अगर हमारे पास एक एग्जांपल की बात करते हैं, ब्रास। ब्रास एक प्रकार का एलॉय है जो 30% जिंक और 70% कॉपर के मिक्स करने पर फॉर्म होता है। तो ये भी एक प्रकार का होमोजेनस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो सॉल्यूशंस होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है सॉल्वेंट और एक पार्ट होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट जो होता है वो लार्जर अमाउंट में होता है, और सॉल्यूट जो होता है वो लेजर या स्मॉल अमाउंट्स में होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, तो शुगर एज ए सॉल्यूट एंड वाटर एज ए सॉल्वेंट। ऐसे अगर हम आयोडीन का अल्कोहलिक सॉल्यूशन की बात करें तो आयोडीन एज ए सॉल्यूट एंड अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट। ऐसे हम एरिएटेड ड्रिंक्स की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड एज ए सॉल्यूट एंड वाटर एज ए सॉल्वेंट। तो जो लेजर अमाउंट का होता है वो सॉल्यूट होता है, जो लार्जर अमाउंट्स में होते हैं वो सॉल्वेंट्स होते हैं। अब हम कुछ फैक्ट्स से रिलेटेड बात करेंगे। सेचूरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जब हम क्या करते हैं, सॉल्यूट को, मच सॉल्यूट को डिजोल्व करते हैं सॉल्यूशन में एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो उस सॉल्यूशन को हम सेचूरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। जैसे हमने एक फिक्स क्वांटिटी में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी सॉल्यूट को डिजोल्व किया है तो वो उसका सेचूरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। ऐसे अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी, क्या होती है सॉल्युबिलिटी? द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सेचुरेशन सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सेचुरेशन लेवल पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉल्यूट जो प्रेजेंट होता है वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें कि सॉल्यूट को हम सेचुरेशन लेवल पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर घोलते हैं तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है।
ऐसे ही हमारे पास एक होता है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशंस। ये क्या होते हैं, व्हेन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कंटेंड इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन द सेचुरेशन लेवल। अगर सेचुरेशन लेवल से कम क्वांटिटी में अगर सॉल्यूट प्रेजेंट होता है तो वो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस को हम अनसेचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।